कहाँ जा रही है? स्कूल चश्मा पहन के। हाँ, हीरोइन बन रही है ना? जींस नहीं पहनी हो? फ्रॉक पहन लो सुंदर वाली। जींस ही पहनोगी? अब बब्बू दादू तो बम दिख रहा है। दादू हेलो तो बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी। गुड मॉर्निंग तो कर दो। गुड मॉर्निंग। तो चले, ऊपर से लगा है भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग ना स्कूल जा रहे हैं दादू के, आज रिजल्ट है उसका। और अभी घड़ी दिखाऊं मैं आपको कितना टाइम हुआ है? जितने टाइम हम लोग डेली उठते हैं उतना टाइम हुआ है आज, मतलब 8:30। दिखा, मैं गेट लगाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा गेट भी लगा देंगे, फटाफट सबके सब नीचे उतर जाते हैं, फिर तुम ही लगाओ गेट और नीचे आओ। तो आज है दादू का रिजल्ट, और रिजल्ट लेके आएंगे। और ना उसका टाइम था 8:30 से 12 बजे तक, तो मैं सोची थी कि 8 बजे तक चले जाएंगे, पर ना काम ही नहीं हुआ। मेरा तो हो गया था, इन लोग का नहीं हुआ था। मैं 7 बजे ही उठ गई थी आज, तो मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, खाना भी बन गया है यहाँ तक कि। तो आऊँगी तो रोटी और चावल बनाऊँगी। खाना में सब्जी भर बनी है और दाल बनी बस, नहीं तो चावल और रोटी तो बनाना ही है गरम गरम। तो आ जाएंगे 1-2 घंटे में। तो चलिए चलते हैं शक्ति नगर, और दादू का स्कूल शक्ति नगर में है यूपी में, और हम रहते एमपी में हैं। लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। और अब देखते हैं, अगर थोड़ा लेट हो गए ना तो हमारे दूध वाले अंकल आज हमको नहीं मिलेंगे। मेरी चप्पल नहीं लाए हैं? लाए हैं, लाए हैं, कम से कम मेरी सैंडल तो लेके आए हैं। और जब भी, और मैंने गेट लगा दी हूँ। मास्क नहीं रखे? यहाँ बैठ जा, आगे बैठ जा, आगे बैठो, आगे बैठो, चले। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं दादू के स्कूल। तो चलो यहाँ से ले लेते हैं मार्कशीट, फटाक से देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। चलेंगे? झूला देखे नहीं कि तुम बिल्कुल झूलने बैठ जाते हो। वो नोट लिखा है, और ये मतलब ये सब दिया हुआ है कि ये होता है, ये होता है। और अभी आए हैं हम लोग मंदिर घूमने के लिए। ये है शक्ति नगर में मंदिर है ज्वालामुखी, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग आज, और बहुत दिनों बाद आए हैं, लॉकडाउन के बाद आए हैं ये मंदिर में। तो ये ना थोड़ा दूर पड़ जाता है इसलिए हम लोग नहीं आते हैं, तो अपने इधर के ही मंदिर चले जाते हैं अधिकतर। और ना ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे हैं, और दादू के स्कूल के पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। पर इसके स्कूल भी नहीं आना होता है तो इधर आना ही नहीं हो पाता है। तो चलिए आप भी घूम लीजिए हमारे साथ।
एंजॉय करो। कहाँ है तू, पसंद कर लिया है? दिखा दादू तेरा खिलौना। दीजिए दीजिए, वहीं दीजिए, उन लोग ही खाने वाले। ठंडा चाहिए था। अभी गिरेगा। ऐसा लगा कि अचार के मतलब कॉल दे वाला है। हाँ हाँ, भिड़ो भिड़ो। वो गाड़ी पटाया थे, लेके आते हैं तब से लाते हैं। चलिए हम करें आप। और हम लोग आ गए हैं घर, और इसके पापा खाना वाना खा के ड्यूटी चले गए हैं, पर हम लोग ने खा लिए थे वहाँ पे नाश्ता ना, तो हम लोग को खाने की इच्छा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। तो मुझे चिप्स सुखानी थी, कल बनाए थे वो, तभी ना धूप भी नहीं निकल रही, नहीं तो अच्छी सूख जाती है अभी तक तो। और क्या हुआ ना कि वहाँ पे मुझे गर्मा गर्म समोसे चार दिखी, तो मेरा मन कर गया खाने का। और जब मैं खाने लगी तो इसके पापा बोले अरे मैं भी खा लेता हूँ। तो मैंने कही ठीक है खा लो आप भी, एकदम गर्मा गर्म था और एकदम ताज़ा ताज़ा बना हुआ था ना, तो देख के ही मन करने लगा। तो देखते हैं थोड़ी देर से खाना खाएंगे, पहले मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये देखो और इसको ना इतने जोर से भूख लगी थी कि क्या बोल रही है, मम्मी मम्मी भूख लगी खाना दो, भूख लगी खाना दो। और मैं खाना खाने बैठूंगी ना तो बिल्कुल इन लोग को भूख लग जाती जोरों से, और जब खाना रहा ना तो नहीं खाते। तो ये इसका खाना रखा है दाल चावल, इतना सा भी नहीं खाई है ना, खाइए बताओ इतना। देखो और उसमें टब में बैठ गई थी और खेल रही थी मेरी गुड़िया रानी। हेलो बोल दो। हेलो। चलो हम खाना खा लेते हैं ना, मैं खाना खिला देती हूँ ना आपको रानी बेटी को। और अभी चाय टाइम, ये देखो। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसका आज हम रिजल्ट लेने गए थे, और रिजल्ट कैसा आया तुम्हारा? पास हो गया दादू। पास नहीं, पास 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 पास, पास हो गया दादू। और क्या हुआ फिर? उधर पे ही पड़ता है ज्वालामुखी शक्ति नगर पे ही, तो मैं बोली कि चलो चलते हैं, बहुत दिनों बाद, अभी तक लॉकडाउन के पहले से मतलब दूर पड़ता है ना तो नहीं जा पाते उतना, तो लॉकडाउन के बाद पहली बार हम मंदिर गए। और काव्या के बर्थडे के दिन काव्या और उसके पापा गए थे, बहुत दिन हो गया, और यहीं पास मंदिर है तो यहाँ चले जाते हैं हम लोग। और कल है शिवरात्रि, तो मैं घर आई, घर में फिर इन लोग को खाना वाना खिलाया, काव्या के लिए खाना निकाली तो काव्या खाई नहीं, तो उसके पापा तो खावा के चले गए ड्यूटी। और अभी मैं चाय पीऊँगी और बस मैं सोऊंगी, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह, तो जल्दी उठ जाना तो ठीक रहता है, काम भी हो जाता है और पूरे काम हो जाते हैं, टाइमली हो जाते हैं, बहुत अच्छा फ्रेश भी लगता है। और दोपहर में फिर थोड़ा सा सोने की भी इच्छा हो जाती है, तो ये कार्टून देखेगा और मैं सोऊंगी, पर मैं इनको भी सिलाने लगी हूँ आजकल दोपहर में।
तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।